नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पटना में बीएसएससी अभ्यर्थियों पर आज लाठी चार्ज हुआ है। पटना के डाक बंगला चौराहे से ये तस्वीर सामने आई है। बीएसएससी अपने अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे और इसको लेकर पटना में लाठी चार्ज हुआ है और लाठी चार्ज को लेकर बिहार में बयानबाजी तेज हो गई है, बिहार में सियासत तेज हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार की सरकार एक बार फिर अपने राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर है। इस लाठी चार्ज को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। अब एक बार फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने निशाना साधा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। डाक बंगला चौराहे पर आज जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर चिराग पासवान ने ट्वीट किया है, चिराग पासवान ने पोस्ट किया है और चिराग पासवान लिखते हैं कि मुख्यमंत्री जी, इतनी कड़ाके की ठंड में आपके प्रशासन के द्वारा बीएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज करना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लाठी से कभी कलम की आवाज दबाई नहीं जा सकती। नीतीश कुमार जी, आप सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। आपने बिहार में स्थिति इतनी भयावह कर रखी है कि आप अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने पर भी लाठियां खानी पड़ती है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास छात्रों की मांगों का पूर्ण समर्थन करती है, साथ ही बिहार सरकार से मांग करती है कि इनकी जायज मांगों को पूरा किया जाए। तो पटना में बीएसएससी अभ्यर्थियों पर जो लाठी चार्ज हुआ है उसको लेकर चिराग पासवान का बड़ा बयान दुर्भाग्यपूर्ण बताया है चिराग पासवान ने, और ये कहा है कि लाठी से कलम की आवाज दबाई नहीं जा सकती। नीतीश कुमार जी, आप अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। हालांकि बयान सिर्फ चिराग पासवान का नहीं आया है, बयान बीजेपी की तरफ से भी आया है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है वो भी सुन लीजिए। बीएसएससी परीक्षार्थियों के जो पर्चा लीक के विरोध में आज पटना के टकबंगला चौक पर जो परीक्षा को रद्द करने के लिए अपने मांगों के लिए करके शांतिपूर्ण तरीका से जो प्रदर्शन कर रहे थे और जिस तरह से बर्बरता से पुलिटिया जुर्म का शिकार हुए, सरकारी जुर्म का शिकार हुए, लाठी से पीटा गया इस ठंड में, कड़कती ठंड में उनको पीटा गया, बेरोजगारों को, उन अभ्यर्थियों को जो जायज मांग कर रहे थे, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी घोर निंदा की जाए यह कम है। यह सरकार की नाकामी है कि एक बिहार के नौजवानों को, नौनिहालों को इस तरह से बर्बरता से पिटाई हो रही है। नौकरी के जगह पर उनको इंसाफ के जगह पर पुलिसिया जुर्म का शिकार होना पड़ रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्य है माननीय मुख्यमंत्री जी। इसके लिए आप छात्रों से माफी मांगे और उनके बात को संज्ञान में ले और तुरंत उन परीक्षाओं को रद्द करें।